Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, Prakash Tarot Card Reader ka bahut namaskar. Hamare Bharat desh mein bahut sare politicians hai jo pradhan mantri banne ka sapna paale baithe hain. और मोदी जी दूसरी बार चुन के आ गए तो कहीं ना कहीं मिर्ची तो बहुत लगी. तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं एक सिंपल सिंगल कार्ड रीडिंग है. सवाल ये था कि फलाना व्यक्ति उनके लाइफ टाइम में भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या बनेंगे क्या. सिंपल, फलाना व्यक्ति फलाना पॉलिटिशियन उनके लाइफ टाइम में भारत देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्या. ऐसा करके मैंने एक सिंगल कार्ड निकाले सबके लिए. तो लेट्स सी किसके लिए क्या क्या कार्ड आए हैं. सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, नहीं, जो आंध्रा के नेता हैं चंद्रबाबू नायडू नहीं बनेंगे. फिर आती है बात शरद पवार साहब की, नहीं, बिल्कुल नहीं. फिर बात आती है नितिन गडकरी साहब की, तो नितिन गडकरी साहब के लिए ये कार्ड आया है द एम्प्रेस कार्ड. तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग कार्ड है और यकीनन इंडिकेट करता है कि उनके लाइफ टाइम में उनके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं प्रधानमंत्री बनने के. अब उसके बाद कौन, तेजस्वी सूर्या कर्नाटका के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या, नहीं. फिर तेजस्वी सूर्या के बाद कौन, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री. देखिए एस ऑफ सोर्स कार्ड आया है, इन्हें चैलेंजेस विल बी देयर बट ही विल कम आउट एज विनर, सर पे ताज सजता हुआ. तो इनके भी चांसेस हैं इनके लाइफ टाइम में कम से कम एक बार भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के. फिर देवेंद्र फडणवीस, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, ये तीनों ही नहीं. नो देवेंद्र फडणवीस, नो प्रियंका गांधी वाड्रा, नो राहुल गांधी. फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या बन पाएंगे उनके लाइफ टाइम में भारत देश के पीएम, ये कार्ड आया है, अगेन शो करता है नहीं. अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनको भी कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में चल रहा है एक प्रधानमंत्री बनने का सपना, क्या बन पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं. अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें. अपने कमेंट्स, सजेशंस, आइडियाज़, फीडबैक देते रहे. और ये जो मैंने नेता लोगों के लिए सिंगल कार्ड रीडिंग की है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कोई नेता का समावेश होना चाहिए तो उनके नाम आप कमेंट्स लाइन में दे दें. तो इसके पार्ट टू करके मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें उन नेताओं का भी समावेश करूँगा, उनके लिए भी एक सिंगल कार्ड रीडिंग करूँगा कि उनके क्या चांसेस हैं भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के उनके लाइफ टाइम में. तो अब बात आती है स्मृति ईरानी, ये कार्ड आया है स्टार कार्ड. यस, स्मृति ईरानी के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आगे चल के भारत देश का पीएम बनने के उनके लाइफ टाइम में. ममता बैनर्जी,
अब ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उनके लिए ये कार्ड आया है। तो ये कार्ड, इस कार्ड के लिए मैंने एक अलग से भी फिर मैंने ममता बनर्जी के लिए निकाले थे कार्ड्स, जो कि मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किए। लेकिन यस, इनके कहीं ना कहीं आगे चल के चांसेस हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ लोगों के लिए मैं डिटेल रीडिंग करूंगा जिनके कि दिखते हैं, जैसे ममता बनर्जी हुई, स्मृति ईरानी हुई, या नितिन गडकरी जी हुए हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ हुए हैं। इनके लिए मैं बाद में एक डिटेल रीडिंग यकीनन करूंगा कि कब से कब तक हो सकते हैं, बन सकते हैं ये प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह। तो उनके लिए जब करूंगा तब करूंगा, लेकिन हाँ, इनको रूल आउट नहीं करूंगा मैं, ममता बनर्जी को मैं रूल आउट नहीं करूंगा। फिर लास्ट अमित शाह, एस ऑफ कप्स, यकीनन ये भारत देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखते हैं इनके लाइफ टाइम में। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी जो मैंने की। अभी इसमें और कौन कौन से नेताओं का समावेश होना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स लाइन में मैसेज करके ज़रूर बताएं। होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।